देश में 3-4-5 प्रांत ऐसे भी हैं जो अपने 100% रिजल्ट पर आए हैं, उसमें हरियाणा भी एक है, गुजरात एक है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। ये ऐसे प्रदेश हैं जिन्होंने जितनी सीटें हैं सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। उसमें निश्चित रूप से जहां कहीं हमारी सरकारें हैं उन सरकारों के प्रति भी, क्योंकि सामान्यतः प्रदेश सरकार के जब 4.5 साल हो जाते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है, वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं देखने को मिली नहीं है। उसमें भी हमने जो नीतियां केंद्र की हैं उन नीतियों को फॉलो करते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सिद्धांत हैं, अमित शाह जी के जो सिद्धांत हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो हमारी टीम है नेता हैं उनके सब सिद्धांत उस हिसाब से प्रदेशों में भी उन्होंने काम किया, चाहे पारदर्शिता की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो, चाहे सरकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं इनको डोर डिलीवरी इनको घर तक पहुंचाने की बात ये हमने की है, जिसका हमको निरंतर लाभ मिला है। दोनों हैं, हमारा इसमें पॉजिटिव पक्ष और विपक्ष के पास कुछ बताने लायक नहीं। जो उनके समय की एंटी इनकम्बेंसी आज भी उनको तंग कर रही है, तो इस नाते से हमारी ये जीत हुई है, ये एक ऐतिहासिक जनादेश, इसको मैं सलाम करता हूं। और निश्चित रूप से जहां ईमानदारी और राष्ट्रवाद इसकी जीत हुई है, वहां जोड़ तोड़ की राजनीति की हार हुई है, वंशवाद की हार हुई है।